एफआईए को मतलब 72 इश्तेहारियों के बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला किया गया है। इश्तेहारी मुलजमान की फहरिस्त में सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल तनोली। आदिल, किस किस को शामिल किया गया फहरिस्त में? हाँ जी, देखें, एफआईए को मतलूब 72 इश्तेहारियों की मुल्क भर में जो है वो अकाउंट मुंजमद करने का फैसला एफआईए एंटी करप्शन सर्कल की जानब से कर दिया गया है, जिसमें इश्तेहारी मुलजमान की फहरिस्त में सरकारी मुलाजमीन के नाम जो है वो भी शामिल है। एफआईए की जानब से जो लिस्ट मुरतब की गई है, जिसमें इश्तेहारी मुलजमान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। इश्तेहारी मुलाजमीन के नाम ब्लैक लिस्ट में भी डालने की सिफारिश जो है वो एफआईए की जानब से मुतलका हुकाम को की गई है। इसी तरह ज़राए की जानब से ये भी बताया गया है कि एंटी करप्शन सर्कल ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात में मुलव्वस इश्तेहारियों की फहरिस्त जो है वो भी मांग ली है, और इन तमाम तरह की तफसीलात इकट्ठी करके जो है उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पहले मरहले में एफआईए की जानब से 72 इश्तेहारियों के बैंक अकाउंट जो है वो मुल्क भर के मुख्तलिफ बैंक में जो खोले गए हैं उनको मुंजमद करने का फैसला किया गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को भी इस हवाले से एफआईए की जानब से खत लिखे गए हैं, जिसमें मुतअद्दिद लोग सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के बीच शामिल हैं। इज़राइल की जानब से ये बताया गया है जिसमें 72 लोगों के इब्तदाई तौर पर जो है वो बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे और उसके बाद आगे मजीद कानूनी कार्रवाई जो है एफआईए बढ़ाएगी। मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। आदिल, बहुत शुक्रिया।